नमस्कार, श्रावणीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कोकोनट मालपुआ। ये एक टाइप का स्वीट पैनकेक है जिसका किनारे क्रंची होता है और मिडिल बहुत ही सॉफ्ट होता है। मालपुआ इंडिया में बहुत ही स्पेशल ओकेशन में बनाया जाता है, जैसे कि होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा। मालपुआ बहुत तरह से बनाया जाता है, लेकिन आज हम कोकोनट यानी नारियल से बनाएंगे, जिसे आप बिना शुगर सिरप के भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और रिच होता है। देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले बैटर बनाना होगा। इसके लिए हमने एक बड़ा सा बोल लिया है, 250 ग्राम मैदा को डाल देंगे। सूजी यानी रवा लिए हैं 50 ग्राम, सूजी को भी डाल देते हैं। खोया लिए हैं 100 ग्राम, ये होममेड खोया है। 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क को बॉईल करके लो फ्लेम में गाढ़ा कर लिया। चीनी लिए हैं 50 ग्राम, मेजरिंग कप का 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल को लिए हैं। हमने एक मीडियम साइज नारियल का हाफ यूज किए हैं। बड़े दाने वाले सौंफ लिए हैं 1 छोटा चम्मच। सौंफ को आप साबुत भी यूज कर सकते हैं या तो दरदरा पीस के भी यूज कर सकते हैं। 4-5 मोटे इलायची का सीड्स को भी डालेंगे। साबुत काली मिर्च या पेपर कॉर्न लिए हैं 1 छोटे चम्मच, ये ऑप्शनल है। नमक लिए हैं 1 बड़े चम्मच, या तो आप आपका टेस्ट का हिसाब से नमक को डालें। दूध लिए हैं 300 ml। दूध को अच्छे से उबाल लिया है, हल्का गर्म रहते रहते दूध को बैटर के अंदर डालना होगा। पानी लिए हैं 250 ml। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़े थोड़े करके पानी मिला लेंगे। बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर लम्स बिल्कुल ही नहीं रहेगा। बैटर का कंसिस्टेंसी इस तरह होगा, ज्यादा पतले भी नहीं, ज्यादा मोटे भी नहीं है। बैटर को ढक के 15 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे, ये फूलने के लिए। अभी चाशनी बनाएंगे, इसके लिए गैस को ऑन करके एक पैन को गर्म करेंगे। पैन में 250 ग्राम चीनी और 250 ml पानी को डाल देंगे। शुगर सिरप के अंदर 1 छोटे चम्मच छोटे इलायची का पाउडर मिला देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा केसर का धागे भी मिला सकते हैं। चाशनी 2-3 मिनट के अंदर ही रेडी हो जाता है। चाशनी को हम ज्यादा नहीं उबालेंगे, ये एक तरह कंसिस्टेंसी नहीं होगा। थोड़ा सा चाशनी लेके दोनों उंगली से चेक करेंगे, ये हल्का स्टिकी स्टिकी होने से रेडी हो गया है। अभी गैस बंद करके चाशनी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। 15 मिनट बाद बैटर को और थोड़ा फेंट लेंगे। अभी गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम में एक कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई में 250 ग्राम घी को डाल देंगे। आप घी के जगह रिफाइंड तेल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। घी को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना होगा। घी अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं चेक करने के बाद बैटर को अच्छे से फेंट के 1 बड़ा चम्मच बैटर घी के अंदर डाल देंगे। इसे राउंड शेप देना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली राउंड हो जाता है। मालपुआ को फ्राई करेंगे लो फ्लेम में। मालपुआ का ऊपर का हिस्सा घी से नहीं डूबने से चम्मच से इसे ले लेके थोड़ा घी को डालेंगे। ऐसे करने से ये ऊपर तरफ से भी थोड़ा कुक हो जाएगा। मालपुआ को बहुत धीरे धीरे फ्राई करना होता है। इसे पलट देते हैं, दोनों साइड में हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना होगा। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करने के लिए ये 8 से 10 मिनट टाइम लगता है लो फ्लेम में।
एक बैच में दो या तीन मालपुआ को फ्राई कीजिए कढ़ाई का स्पेस का हिसाब से, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। दोनों साइड से हल्का ब्राउन कलर हो गया है। अभी इसे निकालने के लिए करछी को एक साइड में लाके एक्स्ट्रा घी को निकाल देंगे और एक प्लेट में उठा लेते हैं। बाकी बैटरों से सेम इसी तरह मालपुआ को बना लेंगे। शुगर सिरप को हल्का गरम कर लेंगे और उसके अंदर एक एक करके मालपुआ को डिप करके उठा लेते हैं। नहीं तो आप इसे भीगने के लिए 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। 25 पीस मालपुआ बने हैं। शुगर सिरप में डीप कर लिया अच्छे से। अभी इसे सर्व करेंगे, तो सर्व करने से पहले इसे थोड़ा गार्निशिंग भी कर लेंगे। गार्निशिंग करने के लिए बादाम को 10 मिनट पहले हल्का गर्म पानी में भिगो के बारीक काट लिए हैं और पिस्ता को भी काट लिए हैं। अगर आप एक बार इस मालपुआ को ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसी मालपुआ को बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी होता है, बना के देखिए और कैसा हुआ है आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट के थ्रू। इसके ऊपर आप थोड़ा सा शुगर सिरप भी डाल सकते हैं, या तो आप राबड़ी के साथ मालपुआ को सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। अगर आपको हमारा ये कोकोनट मालपुआ रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए श्रावणीज किचन को। और अच्छे अच्छे हेल्दी टेस्टी और यूनिक रेसिपी पाने के लिए साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, हमारी सारे रेसिपी आप तक इजीली पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी।